शफीकुर रहमान बर्क के विधायक पोते जियाउर रहमान बर्क लोगों की भीड़ से निकलते हुए दादा के अंतिम दर्शन करने जा रहे हैं और इनको सपा के तमाम विधायक सहारा दे रहे हैं। बुधवार को संबल के सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने मुरादाबाद के सिद्ध अस्पताल में अंतिम सांस ली। इसके बाद उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को संबल के सगीर पैलेस लाया गया। बर्क के अंतिम दर्शन के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ पहुंच रही थी, लेकिन उनके विधायक पोते लखनऊ में मौजूद थे। दरअसल शफीकुर रहमान बर्क के विधायक पोते जियाउर रहमान बर्क लखनऊ में राज्यसभा चुनाव के लिए पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही वहां उन्हें दादा की मौत की खबर मिली तो वो वहीं पर भी लग पड़े, जिसके बाद अखिलेश यादव ने उनका ढांढस बंधाया और ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जैसे ही राज्यसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हुई, तुरंत सपा विधायक और शफीकुर रहमान बर्क के पोते संभल के लिए निकल पड़े। उनके साथ बहेड़ी के विधायक अताउ रहमान और मुरादाबाद जिले के विधायक नासिर कुरैशी और विधायक आशु मलिक भी लखनऊ से सीधा संभल पहुंच गए। तस्वीरें देखिए जरा, कैसे भीड़ से निकलते हुए जैसे तैसे अपने आप को संभाले हुए वो आगे बढ़ रहे हैं अपने दादा के अंतिम दर्शन के लिए, और जैसे ही उनके पार्थिव शरीर को देखा तो वो बिलख पड़े, अपने दादा को बस निहारते रहे और फूट फूट कर रोने लगे, जैसे कि शायद यकीन ही ना हो रहा हो कि अब उनमें जान नहीं बची है। सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क को अपने दादा की मौत पर बिलखता देख साथ खड़े तमाम सपा विधायकों ने उन्हें सहारा दिया और फिर सभी ने शफीकुर रहमान बर्क के अंतिम दर्शन करे। बता दी कि सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क तबीयत खराब होने के कारण लंबे समय से अस्पताल में भर्ती थे और 27 फरवरी को उन्होंने अंतिम सांस ली। शफीकुर रहमान बर्क के अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और आज यानी 28 फरवरी को उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। संभल से अभिनव माथुर की रिपोर्ट, यूपी तक।